पहाड़ को बिल्कुल काट के ना नीचे के रास्ते रास्ता बनाया बद्रीनाथ का। मेरे पीछे आपको दो पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपका जय और ये वाला पर्वत है विजय पर्वत। पार करके हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम। आगे रास्ते देखो आप, पत्थरों की चट्टाने हैं, गलती से भी ना थोड़ा भी कोई पत्थर अगर गिर गया भाई। सोहेल जी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, वापस से एक नए दिन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आपको पता ही होगा कि पिछले 30 दिन से मैं अपनी इस स्कूटी के साथ पूरा उत्तराखंड सफर कर रहा हूं और आज मैं जा रहा हूं आपको बद्रीनाथ धाम में लेकर, क्योंकि कल बद्रीनाथ बद्री विशाल भगवान जी के कपाट खुल चुके हैं अगले 6 महीने के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए। आज के हमारे इस दिन की शुरुआत होने वाली है जोशी मठ से। इस समय मैं हूँ आपका जोशी मठ में, जहाँ पर आपका भगवान नरसिंह भगवान का एक मंदिर है, जहाँ पर बद्री विशाल जी 6 महीना निवास करते हैं और यहीं से बद्री विशाल जी की गद्दी यात्रा शुरू होती है बद्रीनाथ के लिए। और जब आप भगवान विष्णु के धाम में जाएंगे तो भगवान विष्णु के तो द्वारपाल थे, जिनकी वजह से आपका आज तक ये प्रथा चली आ रही है, भगवान विष्णु के तो द्वारपाल थे जय और विजय। और ऐसा कहते हैं जिस दिन नरसिंह भगवान की भुजा गिर जाएगी उस दिन जय और विजय नामक दो पर्वत हैं। मेरे पीछे आपको दो पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपका जय और ये वाला पर्वत है विजय पर्वत। जिस दिन नरसिंह भगवान की भुजा खंडित हो जाएगी उस दिन ये दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे और प्रलय आ जाएगा बहुत भयंकर वाला। और बद्रीनाथ के जो रास्ते हैं, मेरे पीछे आपको बद्रीनाथ के जो रास्ते दिख रहे हैं, ये जय और विजय पर्वत के बीच से होके जाते हैं। उस दिन ये दोनों पर्वत पूरे बद्रीनाथ तक आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी के जो कपाट है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे माणा गांव वाले। उसके बाद बद्रीनाथ जी की जो पूजा होगी वो होगी भविष्य बद्री में। तो मैंने आपको बद्रीनाथ भगवान जी के दोनों द्वारपाल जय और विजय के बारे में बता दिया है। तो यहीं से हमारे आज सफर की शुरुआत होगी बद्रीनाथ धाम के लिए। जोशी मठ से बद्रीनाथ की दूरी है वो है 65 किलोमीटर की और बीच में बहुत सारे ऐसे और धाम आने वाले हैं, क्योंकि नारायण तक पहुंचने तक बहुत सारे धाम आएंगे, उन सब के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो और कमेंट सेक्शन में लिखो जय बद्री विशाल। तो चले अपने सफर की शुरुआत करते हैं, अपनी स्कूटी पकड़ते हैं, निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। यहाँ पे एक आंटी जी मुझे मिली है जो मेरा इंट्रो देख के बड़ी मुस्कुरा रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या हो गया, आप कहाँ रहते हो? पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते। तो पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने वाले लोग इतना मुस्कुराते क्यों हैं? अच्छा, तो पीडब्ल्यूडी वाले बड़े मुस्कुराते हैं भाई, ऐसे क्या बात है। तो मैं इन आंटी को बहुत ज्यादा पसंद आ गया हूँ। प्रसाद लेकर आना, तो आंटी जी के लिए बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आएंगे। मेरे उसी साहब को आंटी दिखाई दे रही ना, ये पीडब्ल्यूडी में है और अभी साहब बद्रीनाथ के कपाट को ले हुए। तो नेताओं का आना जाना है तो रोड की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारे नेता आते हैं तो ही रोड बनती है, वरना रोड बनती नहीं है। सही बात, सीधी बात, नो बकवास। तो चलो आंटी जी जय बद्री विशाल, चलते सीधे बद्रीनाथ के लिए। ओके, नमस्कार प्रणाम। चलो भैया जी चलो अपनी पकड़ते स्कूटी और निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। जोशी मठ से हम निकल गए आगे की तरफ और अब हमारे रास्ते में सबसे पहले आएगा आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है, मतलब जो हमारे उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं उसमें सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग पड़ता है, जहाँ पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। फिर भगवान विष्णु ने वहाँ प्रकट होकर वहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया था और अपने दर्शन दिए थे। तो चलते हैं विष्णु प्रयाग पहुँचते हैं। जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे ना, जोशी मठ में आपको ये पेट्रोल पंप लास्ट मिलने वाला है, तो अपना पेट्रोल का टैंक फुल कर लेना। आगे जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो मैं तो अपना टैंक फुल कर रहा हूँ, क्योंकि बद्रीनाथ में फिर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, वरना 100-200-300 रुपये लीटर मिलेगा तो फिर कहाँ से खरीदूंगा भाई। तो भाई जी बद्रीनाथ के जो रास्ते है ना भाई, काफी कभी कभी तो ना इतने पतले पतले आते हैं कि दो गाड़ियों का क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है भाई। तो जी भैया जी लो हम पहुंच गए हैं आपका 12 किलोमीटर सफर करने के बाद आपका विष्णु प्रयाग। देखो सामने आपको मेरे आगे दो नदियों का संगम दिखाई दे रहा होगा और मेरे नीचे आपको दो नदियों का संगम दिखाई दे रहा होगा। आपको दिखाता हूँ, एक नदी आपकी आ रही है बद्रीनाथ से जिसका नाम है अलकनंदा, जो सामने से आ रही है, और दूसरी नदी आपकी आ रही है धौली गंगा। तो यहाँ पर इनका संगम होता है और ये पहला प्रयाग होता है। फिर ये जाते हैं आगे देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, आपका रुद्र प्रयाग, ऐसे सारे प्रयाग मिल के आपका माँ गंगा बनते हैं। और वहाँ पर देखो सामने आपको एक मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भगवान नारद की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो भाई विष्णु प्रयाग के दर्शन करने के बाद हम निकल गए आगे को आपका बद्रीनाथ के लिए। और भाई सामने पहाड़ देख रहे हो आप, और पता बद्रीनाथ में ना ये रोड आपका बद्रीनाथ धाम तक जाती है, ऐसे ही
आपका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि वो केदारनाथ तक भी ऐसी रोड पहुंचाए ताकि सारे श्रद्धालु आपका केदारनाथ अपनी गाड़ी से आराम से पहुंच जाए। और अगला जो स्थान आएगा वो आएगा आपका पांडुकेश्वर, जहाँ पे पांचों पांडव ने स्वर्ग की यात्रा के समय आपका केसर की खेती करी थी। भैया जी विष्णुप्रयाग के बाद थोड़ा आगे आने के बाद बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है आपका योग बद्री। आपको पता है कि बद्रीनाथ जहां हम जा रहे हैं उनके पंच बद्री हैं, जिसमें से योग बद्री ध्यान बद्री भी एक बद्री है, जैसे कि आदि बद्री भविष्य बद्री और आपका बद्रीनाथ जी और योग ध्यान बद्री। और ये है आपका पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर इस जगह का नाम पड़ा है पांडवों की वजह से, क्योंकि अपने आपका वनवास के टाइम पे ना वो यहाँ पर भी कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया था, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने केसर की खेती की थी। ये आपका जो गांव है ना पांडुकेश्वर, काफी छोटा सा गांव है लेकिन काफी खूबसूरत है। जब पांडव यहाँ रहते होंगे तो उस समय यहाँ कितने घर होंगे ना, आप खुद गैस कर लो भाई। अभी यहाँ पे इतने घर हैं बस। भैया बद्रीनाथ जाने से पहले आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपका ऑनलाइन, वो आपका QR यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जाके आपको बद्रीनाथ जाने की परमिशन मिलेगी। तो बद्रीनाथ से मात्र आपका कुछ दूरी पर आपका ये रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। तो मैंने अपने आधार कार्ड से अपना QR जो ऑनलाइन मैंने रजिस्टर किया था वो मैंने दिखा दिया है, और अब मैं निकलूंगा ऐसे बद्रीनाथ की तरफ को। और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो यहाँ पे ना एक आपका ये देखो एक काउंटर है, यहाँ पर आके आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो भाई चलो हमने अपना रजिस्ट्रेशन को जो स्कैन करा लिया है, अब हम निकल रहे आगे की तरफ। बद्रीनाथ के रास्तों पे ना सामने जो पहाड़ आपको दिखेंगे ना, एकदम से खड़े खड़े पहाड़ है यार। और आपको पता है एक खास बात, जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ना वो केदारनाथ से भी कहीं ज्यादा ऊपर स्थित है, इसलिए ना यहाँ पे भाई पहाड़ देखो सारे पहाड़ ना रोडों पे मिल जाते हैं यार। क्योंकि भाई आगे हमारा इंडिया और तिब्बत का ना जो बॉर्डर वाला एरिया है, इसलिए आर्मी की वजह से ये रास्ते बनाए गए हैं। और ये रास्ते सच में कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, मजा आ गया कसम से यार। आगे रास्ते देखो आप, ऊपर से ना पत्थरों की चट्टाने हैं, गलती से भी ना थोड़ा भी कोई पत्थर अगर गिर गया भाई ना तो बस हो गया काम। भाई साहब क्या नजारे हैं भाई। तो भाई पांडव यहीं के रास्ते स्वर्ग गए थे, तो स्वर्ग के रास्ते इतने आसान तो होंगे नहीं। तो भाई लेकिन सरकार ने धीरे धीरे अब यहाँ पे आपका रोड वोड सब कुछ बनाना चालू कर दिया है, तो आज हम लोग बड़े प्यार से यहाँ पहुँच पा रहे, वरना पहले तो भाई ना पहुँचना बड़ा मुश्किल था। और अपनी स्कूटी भी भाई ना मानना पड़ेगा भाई, अच्छी अच्छी बाइकों की ना हर जगह हालत खराब रहती, लेकिन ये स्कूटी है जिससे मैं इस बार बद्रीनाथ जा रहा हूँ। मतलब बद्रीनाथ क्या पूरा उत्तराखंड ही घूम रहा हूँ, अभी तो काफी दिन लगेंगे पूरा उत्तराखंड घूम। ये देखो ऐसे कितने सारे पुलों का निर्माण कर दिया है भाई साहब। तो भाई बद्रीनाथ के इस रास्ते में ना आपको हनुमान चट्टी नाम की एक जगह मिलेगी, हनुमान जी का एक मंदिर मिलेगा, और ऐसा बोलते कि नीम करोड़ी जी बाबा जी जिनका कैची धाम में आश्रम है ना वो भी यहाँ पर आकर रुके थे कुछ समय के लिए। और ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी ने भीम का घमंड भी चूर चूर किया था, वो आपके भीम की हनुमान जी की पूंछ उठाने वाली कहानी तो आपको याद ही होगी, जिसमें उन्होंने भीम का घमंड चूर किया था, वो भी इस पर्वत के पास में ही है। जो भी बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं तो वो इस हनुमान चट्टी के दर्शन करने के बाद ही जाते हैं। तो भैया जी चलो आपका हनुमान चट्टी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी है 10 किलोमीटर, और सामने देखो भाई बर्फीले पहाड़ चालू होने लग गए। मतलब कि अभी 10 किलोमीटर पहले अगर बर्फ आपको अभी से दिखने लग गई ना तो बद्रीनाथ में तो भाई बर्फ ही बर्फ से ढका होगा मन। तो भाई यहाँ देखो भाई लग गया है गंदा वाला जाम, और स्कूटी साइड खड़ी कर दिया मैंने क्योंकि सामने ना गाड़ी निकलने में बड़ी तकलीफ हो रही। देखो भाई वो देखो कितने संकरे पहाड़ है, पहाड़ काट काट के रास्ता बनाया हुआ। तो भाई उधर देखो पहाड़ को बिल्कुल काट के ना नीचे के रास्ते रास्ता बनाया बद्रीनाथ का, वो देखो भाई। जी जाम खुल गया बड़ी मुश्किल से, अब जाके हम लोग निकले भाई पहाड़ के रास्ते। देख रहे हो जाम एक बार लग जाए ना तो आधा आधा घंटा जाम लगता है, और ये पहाड़ देखो गिर गया ना गलती से भाई तो चूरन बन जाएगा हमारा। तो है कहीं तो रोड काफी अच्छी है और कहीं तो रोडों की ना हालत बहुत बुरी है भाई, रोड ही नहीं है। और सामने देखो बर्फ से जमे हुए ग्लेशियर, और लोग देखो ग्लेशियर के ऊपर जाए गए हैं भाई, देख रहे हो आप वो देखो जरा। और अगर गलती से ग्लेशियर टूट गया ना ये लोग भाई ना घुस जाएंगे अंदर, फिर कहेंगे सरकार से मुआवजा दो। चलो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, शॉर्टकट मारकर साइड से निकल लेता हूँ। भैया हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ शहर के। जैसे बद्रीनाथ पहले कभी गांव हुआ करता था, अब तो बड़ा शहर बन गया भाई, कितने होटल कितनी दुकानें भाई साहब। भैया जी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है भगवान श्री बद्रीनाथ धाम का मंदिर, और बीच में आपको जो ये नदी दिखाई दे रही है ये है आपका अलकनंदा नदी। इसे पार करके हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम में, और जो पर्वत आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक पीछे वो है आपका नीलकंठ पर्वत।
के ऊपर चरण पादुका ट्रैक भी है। लास्ट ईयर हमने वो सब कुछ एक्सप्लोर किया था। बद्रीनाथ मंदिर का जो आप दूर से देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी कुटियाएं दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको नीचे देखो लोग नहा रहे ना, यहाँ पे आपका एक तप्त कुंड है। बद्रीनाथ मंदिर के थोड़ा ही नीचे आपको एक आदि केदार भी दिखाई देगा। ऐसा बोलते हैं कि आपका भगवान शंकर केदारनाथ से पहले यहाँ पर निवास किया करते थे। आपको जो मेरे सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है आपका अलकनंदा नदी में, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये भगवान नारद हैं। ऐसा बोलते हैं कि नारद यहाँ पर तपस्या में विलीन हो गए थे, बाद में शिला के रूप में यहाँ पर रह गए। और वो जो बगल में आपको कुंड दिखाई दे रहा है, ये आपका नारद कुंड है। तो भाई जी ये देखो, ये है बद्रीनाथ के आपका दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। भाई साहब कम से कम नहीं भी तो 200 से 300 मीटर लंबी लाइन लगी। तो भाई जी ये लो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल मेन और मुख्य द्वार पे। तो भाई मंदिर तो इतना खूबसूरती सजाया है ना, क्या बताऊं। तो भैया जी बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे, अंदर कैमरा लाउड है या नहीं है वो वहां जाके देखेंगे। फिलहाल मंदिर के अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे, कल कपाट खुले और आज दर्शन करने आ चुके आपके रोहित पहाड़ी। पूरा 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है जब से हम लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुए भाई। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं भाई, ऐसे नजारे अंदर के भाई, अंदर से कितना खूबसूरत लगता है देखो भाई। बोलो बद्री विशाल महाराज की जय। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर आने के बाद ना, गेट से जैसे ही आप एंटर करते हैं, फिर आपको बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड टाइप का मिलता है। मतलब सेंटर में आपका बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर है और राइट साइड में ना यहाँ पर क्षेत्रपाल और बहुत सारे मंदिर है। भैया जी बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन कर लिए, बहुत खूबसूरत बहुत भव्य दर्शन। और ये बद्रीनाथ मंदिर के अंदर वाला प्रांगण है, अंदर आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा और क्षेत्रपाल जी का घंटा कर्ण जी का मंदिर मिल जाएगा। तो भाई ये आपका बद्रीनाथ मंदिर के अंदर क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी का मंदिर है, जो आपका बद्रीनाथ की पूरी घाटी के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये आपका बद्रीनाथ धाम का मेन मंदिर का आपका अंदर का द्वार है, इसके अंदर ही आपका बद्रीनाथ भगवान जी विराजमान रहते हैं। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नई लोकेशन के साथ और एक नई जगह में। आज आपको मैंने बद्रीनाथ के दर्शन करा दिए हैं, तो कल कौन से नाथ के दर्शन कराऊंगा ये तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में लिखना जय बद्री विशाल, तभी आपको बद्रीनाथ भगवान जी अपने धाम बुलाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।